नमस्कार, मैं हूं तहसीन फातिमा। तो प्रदेश की सभी खबरों में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा राज्य परिवहन के लंबे रूट की बस से कूदने से एक छात्रा घायल हो गई है, जिसमें छात्र अपने गांव जा रही थी, मगर बस का निर्धारित स्टॉप न होने के कारण बस छात्रा को नहीं रुकती दिखाई दी। फिर छात्रा ने छलांग लगा दी, जिसके कारण छात्रा के सिर पर चोट लग गई। छात्रा को बवानीखेड़ा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के चलते उसे भिवानी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लड़की ने बस से कूदकर छलांग लगाई थी, इसलिए उसकी वजह उसके सिर पर चोट लगी है। ये हम कुछ जीव सवारियों ने बताया कि ये लड़की बार बार ये कह रही थी रोको, बस वाले ने बस रोकी नहीं तो ये लड़की गिर गई। उसको उसके बाद कहाँ लेके गए थे? उसके बाद ये भिवानी खेड़ा लेके गई। भिवानी लेके गई? हाँ, ये भिवानी लेके। तो कहाँ पढ़ती थी लड़की? ये भिवानी कॉलेज में पढ़ रही। कौन से कॉलेज? ये भिवानी आद राजीव गांधी। चोट लगी ज्यादा सीरियस है, बोले भिवानी खेड़ा भर्ती करवा दिया, पूछा दिया हमने तो भिवानी खेड़ा पहुँच गया। मैं भवानी खेड़ा पहुँच गया, उड़ो तो रेफर हो गया यहाँ पर आ गया। फिलहाल भवानी खेड़ा से आई है, ठीक है। हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, शुरुआती तौर पे सीटी स्कैन करवाएंगे और अभी तो टाके वगैरह स्टिचेस लगा रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे। प्रारंभिक तौर पर बात करें, लड़की की हालत स्टेबल है या? अभी फिलहाल सब कुछ स्टेबल लग रहा है, हमने सारे वाइटल्स ले लिए, उसके बाद सीटी स्कैन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि कैसा क्या है अंदर। जी हाँ, एक्सीडेंट का केस है। तो यूपी के हमीरपुर जिले में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। एक दर्जन से अधिक गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल भी बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद और तबाह हो गई है। जिला प्रशासन ने और अधिक पानी बढ़ाने पर आने वाली बाढ़ से निपटने के इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश होने का असर हमीरपुर में दिखने लगा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव के किसानों की फसलें डूब गई हैं और दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। कहीं पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है तो बच्चे, शिक्षक और आम ग्रामीण जान हथेली पर रखकर नदी को पार कर रहे हैं और कुछ लोग मछुआरों की नाव से नदी पार कर रहे हैं। कुचेचा से टिकरौली, सिमड़ौरी, देवगांव, पथौरा मार गई है और ये नदी बढ़ जाने से ये आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। और एक नाव है, वो भी छोटी सी नाव है, उसमें पूरा आदमी आ भी नहीं पा रहा है और देखिए आप वो कितना भीड़ लगी हुई है। इस समय जो यमुना में थोड़ा अभी राइजिंग ट्रेंड है, इस समय लगभग 101 मीटर है हमारा जलस्तर यमुना में, जबकि खतरे का निशान वहाँ 103.650 है। बट अभी चूँकि राइजिंग ट्रेंड है इसलिए हम लोग सतर्क हैं। यमुना से करीब हमारे 20 गांव प्रभावित होते हैं खतरा के निशान के ऊपर आने के बाद। तो वर्तमान में तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है हमारे यहाँ पूरे जनपद में, मात्र ये जो यहाँ से कुछ हेछा से लेकर टिकरौली मार्ग पर है, इस पर इस रपटे पे पानी अवश्य आ जाता है, जिस पर लगभग 4 फीट 5 फीट पानी इस समय है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों ने नाव की व्यवस्था कर रखी है, लेखपाल वगैरह हमारे ड्यूटी पर हैं यहाँ पर। तो फिलहाल अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। फिलहाल यमुना और बेतवा टोटल 187 गांव हमारे प्रभावित होते हैं खतरे के निशान के ऊपर। इन सारे गांव में हम लोगों ने अलर्ट जारी कर दिया है, पुलिस प्रशासन इसके लिए बिल्कुल सतर्क है और हम लोग कंटेंजेंसी प्लान अपना हमारा रेडी है। आगे बढ़ेंगे, यूपी के कौशाम्बी की बात करते हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना को 3 दरिंदों ने नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़ित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। पीड़िता के पति का सीधा आरोप है कि 3 दरिंदों ने पहले उसकी पत्नी को घर के बाहर सोते समय अगवा किया, उसके बाद सरकारी भांग की दुकान के पास ले जाकर मारपीट कर नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़ित महिला के पति की तहरीर पर तीनों आरोपियों को गैंगरेप के खिलाफ धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। घटना के बाबत एसपी प्रदीप गुप्ता का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पर मेरी पत्नी सो रही थी, उसका मानसिक जो है माइंड डिस्टर्ब है, वो बाहर सो रही थी, फिर जो भांग की दुकान के जस्ट सामने
उसे लोग तीन लोग आए उठाकर उसे ले गए, ले जाकर उसे गांजा भांग पिलाया, दारू पिलाई, जबरदस्ती मारपीट किया और उसके बाद बलात्कार किया तीनों लोगों ने, जिनका नाम है नन्नी, नईम, पिंटू। पूरा मुफ्ती में विक्षिप्त महिला है, करीब 35 साल की। उसके पति ने ये तहरीर दी है कि कुछ लोगों ने उसके साथ रेप किया है। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, मेडिकल के लिए भेजा गया है महिला को, और गहराई से सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और शीघ्र ही मेडिकल और बयान करा के इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो 1.5 महीने पूर्व झज्जर के चौपटा बाजार में एक व्यापारी की आत्मदाह करने के मामले को लेकर मृतक के परिजन धरने में बैठे हुए हैं। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट मृतक व्यापारियों के परिजनों ने झज्जर लघु सचिवालय प्रांगण में पहुंचकर पुलिस विरोधी नारेबाजी की और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। धरने पर मृतक व्यापारी की पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ शामिल हुई। नमाखों से मीडिया के सामने मृतक व्यापारी की पत्नी ने आरोपियों के साथ पुलिस की मिलीभगत होने का आरोप लगाया। इसी मामले में पुलिस की तरफ से लीपापोती का दौर भी चला। और कितने दिन हो चुके हैं, क्या मांग आप, क्या दो धरने पे बैठे हो आप? हम धरने पे इसलिए बैठे हैं, हमें 1.5 महीना हो गया आज, ठीक है ना, तो हमारी कोई सुनवाई हो रही है ना अभी तक उन लोगों की कोई गिरफ्तारी हुई है। ऊपर से हमें धमकी और दे रहे हैं कि अपना ये केस वापस लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को कुछ भी हो सकता है। कौन दे रहा धमकी? इसके परिवार वाले ही, राधे श्याम के घर से ही, ठीक है। वो किसी किसी के थ्रू स्पर्श रूप से धमकी नहीं दे रहे हैं, पर किसी किसी के थ्रू हमें धमकी मिल रही है कि या तो अपना केस वापस ले लो, ना तुम्हारे कुछ भी कर सकते हैं परिवार वालों के साथ। अगर हमारे परिवार में कल किसी के भी कोई भी आ जाएगी तो दोषी यही लोग होंगे। और अभी तक इन लोगों ने गिरफ्तारी क्यों नहीं करी है, क्या कारण है तो इन्होंने गिरफ्तारी नहीं करी? जब स्पष्ट रूप से बयान में इन लोगों का नाम, फिर क्यों नहीं गिरफ्तारी करी है? मिली हुई है जी, पुलिस इनके साथ मिली हुई है, ठीक है। जब ये बताओ, जब हमारे ने बयान ये दिया है और उसके बयान के आधार पर भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इससे क्या लगता है? इससे यही लगता है कि पुलिस बिकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में नमाज का मुद्दा जोर तोड़ से चल रहा है, खुले में हो रहा नमाज विरोध मामले को लेकर एक बार फिर हिंदू संगठन ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। भारत बचाओ संगठन के संयोजक अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस अनशन ने हिंदू संगठन के लोगों और अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डासना माता मंदिर के महंत यति मनर सिंघा नंद सरस्वती ने अपने एक दर्जन साधु संतों के साथ अपना समर्थन दिया है। भिवानी के सेठ किरोड़ी मल पार्क में जैमिनी सर्कस का आयोजन किया जा रहा है, जहां संख्या भले ही कम है पर सर्कस के प्रति बच्चों और महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सर्कस में महिला कलाकार का लोहे के भालों पर योग, कर्तव्य, कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, हवाई झूला, पक्षियों का कमाल सहित विदेशी लड़कियां और अनेक रोमांचकारी कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन जानवरों पर सरकार बैन लगाने से सर्कस का कर्तव्य कुछ फीका नजर आ रहा था और यही कारण है कि सर्कस के घेरे में दर्शकों की कम संख्या और खाली पड़ी कुर्सियां। लेकिन फिर भी सर्कस से जुड़े लोग इस महंगाई के दौर में सर्कस को जिंदा रखने में नजर आ रहे हैं। किसका कर्तव्य आपका? अरे आजकल सर्कस पे जानवर वगैरह बंद होने की वजह से लोगों में क्रेज कम हो गया है। बाकी हम लोग नए नए खेल और जैसे अफ्रीका से कलाकार ला के दिखा रहे हैं तो लोगों में थोड़ा क्रेज बढ़ रहा है और भविष्य में हो सकता है फिर से वही लाइन में आ जाएगा सर्कस जैसे पहले था। आगे बढ़ेंगे। भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों ने काले झंडे दिखाकर शहर में प्रदर्शन किया और अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। हरियाणा ज्वाइंट वर्कर यूनियन ने प्रदेश बाहर में विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताते हुए आगे सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने काले कानून को वापस लेने की अपील की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेता अजय शर्मा ने कहा कि सरकार अपने काले कानून को वापस ले वरना उनका आंदोलन बड़े स्तर पर होगा जिसकी जवाबदेही प्रदेश सरकार की होगी। प्रदेश में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से सभी डिपो में जो 2 घंटे का एक प्रदर्शन किया जा रहा है
वो हम बिल्कुल आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आम जनता को बताना चाहते हैं, हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो 5 सितंबर को रोडवेज के कर्मचारियों को बड़ी बुरी बर्बरता पूर्वक तरह से जो पुलिस प्रशासन के द्वारा पिटवाया गया है उसका ये कड़ा विरोध है। जो एस्मा लगाने का जो प्रचार रोडवेज कर्मचारी पे और दूसरे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों पे जो एस्मा लगाने का काम किया है उसके लिए पूरे हरियाणा का प्रदेश का कर्मचारी और आम तमाम जनता जो सभी ये घटनाक्रम 5 सितंबर को देख रही थी सरकार का, क्योंकि उसके विरोध में आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जींद में फैसला लिया कि 10 सितंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश में काले झंडे लेकर के सरकार को एक काले दिवस के रूप में हम एक सूचना देना चाहते हैं और साफ बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन की एक शुरुआत हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, हमारे एसीए साहब, हम आपसे साफ करना चाहते हैं ये काले कानून को वापिस ले। यो दमनकारी नीति है, जो रोडवेज कर्मचारी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है उसको वापिस ले, अन्यथा तुरंत आज ही ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी कोई भी बहुत बड़ा आंदोलन लेगी उसके ऊपर भिवानी डिपो की तरफ से हम खरा उतरेंगे। जनता हमारे साथ है, हम दिखाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि जनता बिल्कुल बच्चों में आ चुकी है और एक हजारों की संख्या में जब आगे कोई आंदोलन होगा भिवानी डिपो की तरफ से उसमें हजारों की संख्या में हम बिल्कुल कर्मचारियों की जनता को साथ लेकर के जो भी आदेश आएगा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का उसको लागू करने में भिवानी डिपो में पूरी तरह से सफल होंगे। अन्यथा हम सरकार से फिर अपील करते हैं ये काला कानून वापिस ले, अन्यथा जनता जागरूक हो चुकी है, जनता में रोष है भी आपको आने वाले संविधान सभा चुनाव में जनता इसका सबक सिखाए, कर्मचारी साथ है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आगामी अक्टूबर महीने में स्वर्ण जयंती वर्ष में मेधावी छात्रों का अलंकरण समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अध्यक्षता प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को बोर्ड निमंत्रण दिया गया। जिस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कम्युनिटी सेंटर में बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमेटियां बनाई गई। 8 सितंबर से बोर्ड का स्वर्ण जयंती वर्ष प्रारंभ हो गया है। 8 सितंबर को माननीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में बोर्ड ने नैतिक शिक्षा की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आगामी कार्यक्रम 2 अक्टूबर को बोर्ड में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और अक्टूबर में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया गया है। बोर्ड का जो पिछले 6 साल से अलंकरण समारोह नहीं हुआ, अलंकरण समारोह की भी योजनाएं बना करके तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अब जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाले हैं और चुनाव के लिए बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। जल्द ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा का दौरा करेंगे और जनसभाएं करके समर्थन जुटाएंगे। इससे पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद वर्कर्स मीटिंग कर केस तैयार करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीबीआई यानी कांग्रेस, बीजेपी और एनएलओ के 1000 वर्कर्स के बराबर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आम आदमी के साथ समझौता करेगी और आम आदमी के बूते पर ही सरकार बनाएगी। प्रदेश में सीएम कौन होगा, इस पर जयहिंद ने कहा कि कोई आम आदमी ही सीएम बनेगा। ठीक है, क्या लोगों के बीच में जाकर के आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, हम तो अभी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता और जो नए लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और पूरे हरियाणा में घूमने का मकसद यही है कि हरियाणा के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई सारी पार्टियों को देख लिया तो आम आदमी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। इन लोगों का राज देख लिया, गुंडागर्दी देखी लोगों ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का राज देख लिया कांग्रेस में, किसानों के साथ लूट देखी लोगों ने, जातिवाद, अक्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, नौकरियों में सब कुछ देखा। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में पूरे हरियाणा में इन्होंने सत्यानाश कर दिया, भाईचारे का नाश किया, काम कुछ किया ही नहीं, कांड ही कांड किए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जी अगर लोगों को बिजली चाहिए सस्ती, पानी चाहिए, लोगों को अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, तो आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। और भाई अगर जाति बिरादरी धर्म क्षेत्र के ऊपर राजनीति करनी है वो चाहिए तो ये पार्टियां हैं। तो प्रादेशिक खबरों में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।